नंबर दूरा अपने अभी आज ही ना दूरा मोरु ने बात कम करो अब तुम बात नहीं मिलेगे रहेंगे तो फिर हमारा मन कैसे लगेगा वो आशीर्वाद आपका है अभी आपने सुना ओम वीर शर्मा जी का नंबर तो कम कहूंगा क्योंकि मैडम जी का नंबर ज्यादा कहूंगा और सुने मैं ओम वीर शर्मा से कुछ कहने नहीं आया हूँ मैं तेरी चोंच बंद कर भी आया हूँ होगी तो देखी जाएगी चाहे वो दंगल मिले चाहे नहीं मिले पर तेरी चोंच बंदन करी मैंने तू बड़े अनार वे रही सबको जवाब दया मैंने अब तू कह रही है पलंग तेरे बाबर हो तो जा तू नई बात ना कह रही देख सुने बाबरो तो तू भी अपना और आगरा में कौन कौन इलाज हो तो तुम बताइयो गुरुदेव हाँ भैया आगरा में इलाज कौन को हो तो है भैया बाबर तो कोई इलाज होकर है जा आगरा में एक बात बता रायते में आया हूँ मैं इलाज करवाए भी आया हूँ मैं और ना चिंता मत करो बरेली का ही जाऊंगा मैं इतना बड़ो बाबर हो तो बरेली को पागल हूँ मैं आगरा तक ही सीमित हूँ मैंने छंद लड़ाया जैसा भी मेरी बुद्धि विवेक ने काम किया आप लोगों ने मेरे भी आपका समर्थन किया मैं इस बात के लिए आभारी हूँ और सबसे जीवन भर आभारी रहेगा मेरी बात का आपने समर्थन किया जो बात सही है और हकीकत बात ये उस जनता का मैं परमात्मा से भी भला चाहता हूँ कि जो सत्य बात को मुंह पे सत्य कहने की हिम्मत रखती है अब समस्या गिरी बाबा नाथी अब पवल का ना आती क्या हकीकत बात है नाथ राम गुरु कहीं कहीं समस्या गिरी बाई पवल का मिल जाते हैं के संभू बागड़े थे मतलब प्रेम हो तो संभू बागड़े चाहे गायरो चाहे ना कचुगारो वाकी मान के संभू बागड़े हमारे शेर है परंतु यहाँ आगरा की पवल के जो सही है उसका भैया गलत तो ना कह रहा हूं मैं जो बात सही होगी उसी का जब मतलब तुम उसी का सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे अब सुनिएगा इन्होंने छंद गाया मैंने अपनी तरफ से कोशिश की इन्होंने कहा कि मंदोदरी कहने लगी वह रावण से बाप तमाम तो मैंने कहा नैनों से अश्रु बहने लगी और हकीकत बात मान तमाम मेरी बात को मानना तुम मर्द को कोई नीचा दिखाती है तो सिर्फ औरत दिखाती है नहीं मर्द अपनी जगह पर सही होता है मर्द चाहे जान निकल जाए परंतु अपनी जगह पर सही होता है औरत नीचा दिखा देती है ईमानदारी बात है किसी के घर में से कोई लड़की अगर भाग जाती है सात पीढ़ी तक तो कलंक लग जाता होगा अगर कोई मर्द भगा ले जाए किसी लड़की को तो कोई कलंक नहीं है परंतु अगर कोई औरत या कोई बेटी किसी के घर की भगा ले जाए तो मान की सात पीढ़ी तक मान की देखो क्यों यार तेरे छोरी भाग गई तो नहीं कह रहा हूं मैं तो मैंने इन्होंने कहा मंदोदर कहने लगी तो मैंने कहा नैनों से अश्रु बहने लगी अब फैसला आपके हाथों में क्योंकि हम तो कलाकार हैं आप जूता भी मारोगे तो भी मान्य होगा क्योंकि पब्लिक को फैसला परमात्मा का दर्जा देते हैं अब एक बात बताओ ये क्या लड़ाई हुई ना भुजराम उस्ताद अब ये कह रहे हैं जब कहने लगी को मैंने बढ़ाया बहने लगी अश्रु बहने लगी तो फिर यही लाना था इनको अब ये ला रहे हैं कि कोई अटक लड़ाई लोमती नहीं मिट जाए जग में नाम और कोई प्रभु श्री राम के पिया बन जाओ गुलाम तो सुन मरना मंजूर है तूने मुझे रावण का पक्ष दिया है और आज ये शंभू बागड़े भरी जनता में कहता है दंगल हारना मंजूर है पर सुन आज तूने मुझे रावण का पक्ष दिया तो रावण के पक्ष को कमजोर नहीं होने दूंगा कलम में जान होनी चाहिए दोस्तों रावण के पक्ष को कमजोर नहीं दूंगा चाहे जान निकल जाए पर गुलाम नहीं बनूंगा तेरे नाम को और इन्होंने एक टुकड़ा रखा बहुत बहुत आभार भैया तुम्हारे लिए एक बार भैया के लिए जोरदार तालियां इन्होंने एक टुकड़ा रखा था काली चरण के नीचे और शिव जी के काली चरण के नीचे दो ही शब्द हैं वो तो मैं ऐसा रसिया वाला नहीं हूँ कि चाहे लगे चाहे न लगे दह में है कि ना हूं ना तुम जो बात सत्य होती है क्योंकि जनता में हम तो कछूना है हमने पानी में नहीं पिया है इतना ये लोग दूध पी के बैठे हैं ये जो बैठे हैं
अब एक बात बताओ, मैंने एक टुकड़ा रखा था कि वो कंस जिसको धरती पे मारी, पत्थर पे मारी, उसको ले गया कौन? ले गया कौन? ये बात सही है। उसके बाद मैंने इनसे पूछा था कि भगवान खोला था मैंने क्या, भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में, और तुम क्या कह रहे गुड्डू शर्मा जी? शंभू बागड़े जब कमेटी के दोनों सवालों का जवाब दे सकता है, कमेटी ने दो सवाल रखे थे कि वो पांच काम कौन से, तुमने कोई जवाब दो भैया हैं? वैसे मैं बैर गवा रहा हूँ, बैर गवा रहा हूँ, तू ना आया तो काऊ गधैया हुआ रहा हूँ। आगरा में पबगले सुनने वाली है ओमी शर्मा, मैंने एक जवाब रखा था गुरुदेव के बाद कंस ले गो, कंस ने धरती पे मारी, बाके बाद वो ऊपर चली गई, बाके बाद द्वारका में दुर्वासा के संग मैंने कहा था कि दुर्वासा के संग में व्याधी किसन के द्वारा भैया शादी, तो मेरा पूछना सिर्फ ये था कि वो जब तक तुमने पाली, तुम क्या कह रहे गुड्डू शर्मा बा कौन नाम हो? एक का नाम था, नाम है उसका एक का नाम था, नाम है उसका जो जसोदाल के गर्भ से पैदा हुई है उस लड़की का नाम एक का नाम था है। तो मेरा तुमसे सिर्फ पूछना ये था कि वो जब तक शादी हुई है, जब तक पाली कौन है? कोई जवाब आएगा भैया तुम्हें पूछ रहा हूँ मैं गुरुदेव, इन्होंने कोई जवाब दिया कि जब तक पाली कौन ही वो चुरी वाले। और रही बात शंभू बागड़े जायज बात करता है, तुम्हारा जवाब काली चरण के नीचे सिर्फ दो शब्द है, तो मैंने बढ़ाया नहीं उसको, सिर्फ ये काफियाबंदी से लड़ा दिया। उसके बाद मैंने इनका रसिया का भी जवाब दिया। एक बात बताओ बाबा, भाई चीज का लड़ाई में जरूरत पड़ रही, तुम लड़ाते तो भाई लड़ाते के वो कौन पारी? अब बाबा भाई तो मैं नहीं कह दई कि छोराऊ को जवाब दो, मैंने बाबू को जवाब दो कर दो मटका को पेट फुला दूंगा जाको, तो का जवाब दे रहे हो तुम? देखेंगे शुरुआत मेरी तरफ से। और सुन काएं तेरे आज धतूरे सुन, नहीं तो देख, नहीं देख तो सही नहीं, अरे हेमा मालिनी देख तो सही, धर्मेंद्र ठाड़ा तेरे जोरे देख रही है, सुने तेरी चोंच बंधन करके गए हो तो सुने शंभू बागड़े ना जाको कछु और नाम दियो, शंभू बाबा कोई कहता है वो तो तेरी चोंच बंधन करी, तो मेरा नाम शंभू बागड़े ना, देखेंगे शुरुआत मेरी तरफ से। शंभू बागड़े का सारी रात ओमवीर शर्मा की ये घरवाली है ना,
उंगरिया दार गयो दारी उंगरिया ना है पूरे हाथ पाम के अंगूठा डरवा दूंगा जा पबले कपे आज चाहे आठ बज जावे नाटिया तू गाड़ी में ना है माटिया बोलेरो की चलते का काऊ और मांडी चले रही हो अरे रो और जाई ना धुरा गुरु अरे कोई जाई नंबर पे तेरे और मैं तो खूटा सोता हूँ और दोहा चल रहा था बहने लगी और कहने लगी अब इधर से आ जाएगा लो मती तो ये शंभू भागड़ है सुन तू जो कहेगा उसका जवाब देगा देख कहना क्या है दोहा के माध्यम से अब रावण कह रहा है मंदोदरी से अरे कोई उनके हाथों होए गति और कोई उनके हाथों और हो गति मंदोदरी ये मेरा सौभाग्य है कि प्रभु राम के हाथों मेरी दुर्गति नहीं गति हो रही है गुड्डे शंभू बागड़े बढ़ती नहीं बढ़ता है और रसिया वालों की तरह भर्ती नहीं बढ़ता सिर्फ काफिया देखता है कि भाव घटना चाहिए काफिया का ऐसा नहीं है कि मतलब भर्ती लड़ा दी और भाव काफिया का कहीं और तो बोलना है अब ये उनके हाथों हो गति और क्यों पीटे मंदोदरी अरे क्यों पीट रही है पामे तू क्या कह रही है कि प्रभु राम के गुलाम बन जाओ तो सुन चाहे गर्दन कट जाए रावण मर जाए परे सही कह रही है मैं तुम्हें अरे पाम अरे दोनों सुन मंदोदरी अरे कोई दोनों तरफ हो जीत मेरी चाहे रावण हार जाए तो भी जीते और जीत जाए तो भी जीते सुन अरे कोई दोनों तरफ हो जीत मेरी और तू लगा जो बापे लगा और जिगड़ी में कह रहे हैं गड़ाए रहे हो और पढ़ाए रहे हो तो सुन अब रावण कह रहा है मंदोदरी से अरे कोई मैंने खोटा कामन किया और कोई मैंने और खोटा कामन किया सुन मंदोदरी सुन मैं मानता हूँ मेरी बहन की गलती है मैं मानता हूँ मेरी बहन की गलती है उनके सामने गई परंतु मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मर्द को नीचा दिखाने वाली सिर्फ औरत होती है नहीं मर्द नीचा नहीं देख सकता है देख अरे कोई मैंने खोटा काम न किया और तू अरे तू काहे को घबराए रही है और तू काहे को घबराए रही है अरे ओ विक्रमा मर्द भी जब जानूंगा जो काफिया चल रहे उनको लड़ा के लाना तुम अरे तू काहे को घबराए रही है अरे पापन अरे कोई पापन मैंने किया पाप को अरे कोई पापन मैंने किया पाप को जो मेरे मुंह बढ़ाए
वास्तव में कलाकार गंधर्व लोग होते हैं, आप लोग प्यार देते हैं हमें, हम कोई औकात नहीं है हमारी, आप लोग ही कलाकार को कलाकार बनाते हैं। और मोमिन भैया सिर्फ दो शब्द पवन भैया के लिए, उसके बाद पूरा मनोरंजन करके जाऊंगा पूरे नंबर में। और लगाइए ना खुशी का है मौका, इनके गीत को सुना और मेरे गीत को सुनिएगा, खुशी का है मौका मगर क्या करूँ। Okay.
हाथ जोड़ के इस टुकड़े को सुनिएगा, उसके बाद मनोरंजन कराऊंगा क्योंकि पब्लिक मनोरंजन के लिए बैठी है। परंतु उन्होंने जब नंबर शुरुआत कर दी है पवन भैया के लिए, तो मेरी तरफ से भी हकीकत बात है, वो कलाकार आदमी था, हमारा भाई था।
आई हूँ क्योंकि प्रधान जी आपके हकीकत बात है आप पुरोहित हो और ये 500 रुपए का पुरस्कार जो ये डीजे जो ये डीके लाइव पॉइंट जिसको आप दो दिन बाद सुन सकोगे 500 रुपए का पुरस्कार एक बार निवेदन करूंगा भैया के लिए जोरदार तालियों का प्यार हो जाए याद पवन की मिल गई पवन में याद पवन की मिल गई पवन ढूंढती है आके नजर ढूंढती है
जो मौसी नाम से मशहूर हैं, जो माजी थी मौसी नाम से मशहूर थी, हर कलाकार उनको मौसी कहता था। आज बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, तब कहना दे। अरे नजर ढूंढती है आते नजर ना नजारों में, नजर ढूंढती है आते नजर ना नजारों में। और ये 50 रुपए का पुरस्कार भैया की तरफ से। अरे चमकते पवन और मौसी, हरे चमकते पवन और मोती, चमकते पवन और मोती बरग के सितारों में, हरे चमकते पवन और मोती बरग के सितारों में, चमकते पवन और मोती बरग के सितारों में। और ये एक बार निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों से गुड्डू शर्मा हैं, बैरग अखाड़े के उस्ताद खलीफा हैं, एक बार निवेदन करूंगा जोरदार तालियों से प्यार हो जाए। ये पुरस्कार मेरे लिए बहुत ज्यादा है, हकीकत बात है। ऐसे मान लिए जैसे पुलिस वाले की जेब में तो पैसा निकाल रहे हो, सामने वाले का अखाड़े, सामने वाले का कोई इनाम आ जाए तो ये समझना कि पुलिस वाले की जेब में तो पैसा निकाल रहे हो। और क्या बात है, अब कहना दे। काए पे गुमान कर हर कौन ध्यान धरे, कुटुंब कबीलों सब यही छोड़ जाए वो। काए पे गुमान कर हर कौन ध्यान धरे, कुटुंब कबीलों सब यही छोड़ जाए वो। काए पे गुमान कर हर कौन ध्यान धरे, कुटुंब कबीलों सब यही छोड़ जाए वो। प्यार हो जाए उनके लिए समूह भाई। अरे काए पे गुमान करे हर कौन ध्यान धरे, कुटुंब कबीलों सब यही छोड़ जाए वो। अरे कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, पाप की तबाही करे कोड़ी कोड़ी करे, द्रव्य यही छोड़ जाए वो। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, पाप की कमाई के कोड़ी कोड़ी करे, द्रव्य यही छोड़ जाए वो। We'll be right back.
मुस्ताल। अरे नजर ढूंढती है आपे, नजर ढूंढती है आपे, नजारे नजर है, नजर ढूंढती है आपे, नजारे नजर है, नजर ढूंढती है आपे, नजारे नजारों में वो नजारे नजर नहीं आते क्यों? अरे चमकते पवन और मोती, चमकते पवन और मोती, चमकते पवन और मोती, स्वर्ग के सितारों में, चमकते पवन और मोती, स्वर्ग के सितारों में, चमकते पवन और मोती, स्वर्ग के सितारों में। और ओम मीर भैया मैं मान जाऊंगा अगर इस पे लाइन रख जाओ तुम, कलम रख जाओ, मैं जो श्रद्धांजलि गा रहा हूँ शंभू वाले वो श्रद्धांजलि नहीं गाता है, वाले के नाम तारदाव है। अरे मन आया मुझे तारीफ तो मालूम नहीं है वो, परंतु मनु दिना आया इस दुनिया में किसने? अरे मन We'll be right back.
से उनके बाद इनके रसिया का जवाब, उसके बाद एक गीत रखूंगा। और ने मोमिन भैया बजाइयों ने जित बोई घिसी फिटी दुनने गांगे, क्योंकि रसियाबाजी होती है, कछु न कछु तो नयो होना चाहिए ना। लगाइयो पांडे जी का बेटा हूँ और चुम्मा चुपट के लेता हूँ। अब कहना है एक भोजपुर वालों का गीत लिखा, भोजपुर वालों का। अरे ऐसे नहीं देखो रे मखड़ा पे मेरा बदन अंगूरी, ऐसे नहीं रख दे मेरा बदन अंगूरी। गुरुदेव पहले भी ये गीत गाया मैंने, मतलब ये जमाना कोई जवाब लौट के नहीं आया। ओ मीर भैया अपने मन में मनना, पर जनता के दिल से पूछना ये, क्योंकि जनता फैसला करती है। अरे ऐसे नहीं देख रे मखड़ा बे मेरा बदन अंगूरी, अरे छोरा छिछोरा तू लगता है, छोरा छिछोरा तू लगता है, रखना हमसे दूरी। पापा मामा
पानी माँ पानी रे 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 बहुत दूर है सुने मैं कोशिश नहीं करता हूँ क्योंकि रसिया होती है मोटा गाना मैं इन चीजों को गाने की कोशिश यूं नहीं करता हूँ क्योंकि रसियाबाजी होती है मोटा गाना जिसको कहते हैं देख कहना क्या है अब तू क्या कह रही मोहब्बत करता हूँ ये शंभू बागड़े आ जा भैया मोहब्बत करता हूँ तो शान से तबीयत खुश कर देता हूँ और दुश्मनी करता हूँ तो जान से चोट खुश कर देता हूँ और सुनता भी देखियो कादर वाली ओ कादर वाली मैंने सुना है तू बड़े चुम्मा बहते पवले के चुम्मा ले रहे हो बारंबार जी बहुत कहते चुम्मा अब कहना क्या है मेरा मोहब्बत करता हूँ शान से तो तबीयत खुश कर देता हूँ और दुश्मनी करता हूँ जान से तो चोट घुस कर देता हूँ अब तक पब्लिक की ताली दे दियो शंभू बागड़े जानता कुछ नहीं है सिर्फ पब्लिक का भाव है और प्यार है दुश्मनी करता हूँ जान से तो चोट घुस कर देता हूँ अरे लातों के भूतों की ऐलान से दुश्मनी करता हूँ जान से तो चोट घुस कर देता हूँ और ताली देख लाली चोट घुस कर देता हूँ और तो जैस कलातों के भूतों की ऐलान से मैं खालन भुस भर देता हूँ हर सच सच की नजरों में अरे हर सच सच की नजरों में मेरी जान समाना नहीं अच्छा हर सच सच की नजरों में मेरी जान समाना नहीं अच्छा हर सच के जरिए से पैसा हर सच के जरिए से पैसा मेरी जान कमाना नहीं अच्छा हर सच के संग मेरे करके हो हर सच के संग में रह करके यो रात कमाना नहीं अच्छा ओ सलीम बाबा सलीम बाबा हर सच के जरिए से पैसा मेरी जान कमाना नहीं अच्छा लो वो क्यों हर सच तुझे बदनाम करे मेरी सच कमाना नहीं हर सच तुझे बदनाम करे मेरी जान और ये 20 साल का भैया 20 और 21 तारीख में दंगल मेरा और ओमबीर भाई का शीतल नगर में 20 और 21 तारीख का दो दिन का दंगल बादशाह भैया की तरफ से शीतल नगर में ओमबीर शर्मा और मेरा हाँ हाँ शीतल नगर जो भी है अब कहना दे सुने सुने हम क्या कहेंगे दे अरे कायर कसे कमर चले रणों में तो रौब बनाना मुश्किल है कायर कस कमर चले रण में तो रौब बनाना मुश्किल है
कायर कस कस कायर कर कमर कस कमर में तोरो पुतनाना मुश्किल है ओदे। अरे जब बिगड़ जाए करो बाप किसी की तो बाप बनाना मुश्किल है। जब बिगड़ जाए करे बाप किसी की तो बाप बनाना मुश्किल है। अरे अरे जो जन्म जात को होए हिजड़ा जो होए ते बता लापन को बापन ते
और मेरे गुरु है गुरुदेव विजेंद्र प्रधान जी। अरे मैं प्रधान जी का चेला हूँ, अरे मैं प्रधान जी का चेला हूँ, तेरे हाथ में लंबो बढ़िया भारी बन गया। तो बिजली हरियाणा से आई, डरा के भगा दे बिल्ली को। आंटी जी, अरे डरा के भगा दे बिल्ली को, और इन चूहों में हिमाकत तो है नहीं, इन चूहों में हिमाकत है नहीं, अरे इन चूहों में हिमाकत तो है नहीं, अरे पति प्रता के पति प्रत जैसी रंडी में नजाकत है नहीं, और पति प्रता के जैसे पत्नी रंडी में नजाकत है नहीं। गुरुदेव, अरे पति प्रता के पति प्रत जैसी और काऊ रंडी में नजाकत है नहीं। अबे ताली दे, अरे काऊ रंडी में नजाकत है नहीं, और बात सही लगे तो प्यार चाहूंगा, और कर ले मुकाबला शेर से न कुत्तों में ताकत है नहीं, और कर ले मुकाबला शेर से इन कुत्तों में ताकत है नहीं। अबे सिर्फ एक सवैया दूंगा तेरे लिए, पावन पवित्र है, पावन पवित्र है, पावन पवित्र है, धारा विचित्र है, पावन पवित्र है, धारा विचित्र है, निकली झटा से ऐसी धार और ढूंढिए, निकली झटा से ऐसी धार और ढूंढिए, निकली झटा से ऐसी धार और ढूंढिए। ओ मीर भैया, दुनिया जानती है कि गंगा जी शिव जी की जटा से निकली है, मेरा पूछना क्या है आपसे, अरे पावन पवित्र है, धारा विचित्र है, निकली जटा से ऐसी धार और ढूंढिए, निकली जटा से ऐसी धार और ढूंढिए, निकली जटा से ऐसी धार और ढूंढिए। अरे भरत और शत्रुघ्न, श्री राम लक्ष्मण, तीन माह से पैदा भाई, चार और
ढूंढिए और शंकर जी की शादी हुई है तो ये सात वचन कभी से चल रहा है तब कहना है मेरा दे अरे सारे
तेरे साढ़े तीन ये बजर को भयो उत्पा बा भगवान कन्हैया ने लड़ाई लड़ी तो साढ़े तीन बजर रे सब कहना दे एरे साढ़े तीन ये बजर को भयो उत्पा अरे दे बादर फार जवाई और एक गीत मेरी तरफ से उसके बाद ओमीर भैया का नंबर और मास्टर साहब गीत बजाओ अगर न मिलते इस जीवन में ये जो आजकल का माहौल चल रहा है गांवों में प्रधानी का उसके ऊपर अच्छा एक गीत रखा है मैंने शायद आपको पसंद आएगा ये गारंटी अरे जब से घूमे धरती अंबर चांद सितारे जब से घूमे धरती अंबर चांद सितारे अरे तब से मेरी निगाहें समझे तेरे सारे जब से मेरी और मानना ये बात मेरी मानना क्योंकि हम कलाकार आप लोगों से हैं जनता से कलाकार हैं अगर हमारे पास जनता नहीं होगी चार आदमी बैठे हो तो हमारा मूड नहीं बनेगा हकीकत बात है कलाकार को कलाकार बनाते हो आप लोग मानना इस बात को मेरी को कलाकार धरती से उठाकर आसमान पे बैठाने वाली जनता होती है और आसमान से धरती पे लाने वाली भी जनता ही हुआ करती है तब कह रहा है मेरा दे अरे जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा अब कहना है मेरा अरे हर इंसान के जीवन में जब से जन्म लेता है चाचा आदमी जन्म लेता है और जब तक दुनिया को छोड़ के जाता है ये सत्य है जाना सबको है परंतु जब से जन्म होता है और दुनिया को छोड़ के जाता है जाने कितने लोगों से मिलता है हकीकत बात है ये शंभू वागड़े छोटी सी उम्र में जाने कितने लोग लाखों लोगों से मिला है और आप भी लाखों लोगों से मिले होंगे जाने कैसे कैसे लोग आते हैं पर कहना क्या है मेरा दे अरे हर इंसान के जीवन में मिलते हैं लोग बहुत और ये शंभू वागड़े की अगर आपको लाइन अच्छी लगे भैया बहुत बहुत आभार मानता हूँ आपका के हमको आप मंच देते हो और आप खड़े हो अगर बात ही में अगर ये जमाने में अगर लगे कि हाँ इस दौर में ये शंभू वागड़े तू सही कह रहा है तो सबका प्यार चाहूंगा दे मिलते हैं लोग बहुत अरे अरे मिलते हैं कुछ लोग जहाँ में जो मेरे मोहब्बे मेरे और तेरे मोहब्बे तेरे और मेरे दौर खराब है गुरुदेव इस बार
फेसबुक पे तो हर एक आदमी के कम से कम 150 मित्र होंगे फेसबुक व्हाट्सएप पे, परंतु जो गली परोस का मित्र होता है गुरुदेव, जो गली परोस का मित्र होता है उसके पास टाइम नहीं है बात करने का। परंतु अरे आया दौर खराब है अब हर दिल में न भाव है, आया दौर खराब है अब हर दिल में न भाव है। और अब बताइए आगे आइए गामन में, अरे कैसे हो पहचान किसी की, कैसे हो पहचान किसी की, हर चेहरे पे नकाब है, हकीकत बात मानना। वास्तव में आदमी की आज इंसान की गुर्दे पहचान नहीं है, बुरा मत मानना। आज आदमी की ये नहीं पता है कि तुम मुझसे बात कर रहे हो तो मुझे ये नहीं पता तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है, तब कहना है मेरा दे अरे अरे बेईमान, अरे ईमानदार घूम रहे बन के, ईमानदार घूम रहे बन के अब बेईमान लुटे, कुछ लोग जहां में जो मेरे मुंह पे मेरे और तेरे मुंह पे तेरे, हकीकत बात मानना मेरी बात। अरे संगीत सुन के ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में जाके भगवान नहीं मिलता, अरे पत्थर तो इसलिए पूजते हैं दुनिया में लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता, तब कहना दे अरे खुद के गुना छिपाए, आज मैं अपनी कमी को तो छिपा रहा हूं, मेरा बच्चा परशुराम भैया मेरा बच्चा अगर गलती करता है तो उसको तो दबा रहा हूं मैं, अगर आपका बच्चा गलती करेगा कैसे नाम भी आएगा वैसे तो सबसे पहले भी बोलूंगा वाणी नाथुराम को छोरा चोरी फसगो, तो ये दौर है आज का, सब कहना है दे अरे खुद के गुना छिपाए उंगली औरों पे उठाए, खुद के गुना छिपाए खुद की कमी नजर ना आए, अरे खुद की न कमी नजर आए औरों की नजर आ जाए, खुद की कमी नजर ना आए औरों की आ जाए, खुद की कमी नजर ना आए औरों की आ जाए, तब दे अरे कदम कदम पे मिल जाए ऐसे, कदम कदम मतलब को मुलाकात करें और मुंह पे मीठी बात करें, मतलब की ये बात करें और मुंह पे मीठी बात करें, और दे और क्या अरे विष देकर विश्वास में, विष देकर विश्वास में पीठ के पीछे घात करें, क्या हो गया इंसान को भूल
मुल्ला जानता है कि ये गलत है, परंतु गलत सोच रहा है, परंतु फिर भी गलत कर रहा है। और आप वोट आने वाले हैं गांवों में, प्रधानी के वोट आने वाले हैं, मत होता है गुरुदेव ईमान, वोट होता है ईमान, मत होता है तब होगा क्या। अरे आज बदौलत दौलत की, आज बदौलत दौलत की ये बेकर है ईमान को, आज बदौलत दौलत की ये चढ़ाई ईमान को, आज बदौलत दौलत की ये चढ़ाई ईमान को। और दे दे, अरे जब प्रधान बिजंदर राम के, जब प्रधान बिजंदर राम के नाम के सांझ सवेरे, हो जब प्रधान नाम राम को, जब प्रधान राम नाम। बेटा बहुत बहुत आभार गुरुदेव, आपने पसंद कर लिया, हमको बहुत खुशी है। हकीकत बात है, एक कलाकार इच्छा लेकर आता है कि पब्लिक उसको प्यार दे दे। हकीकत बात है, हार जीत हमारी हकीकत तुम्हारे हाथ में होती है, हार जीत की जगह पब्लिक प्यार दे देती तो कलाकार अपने घर जाता है, तो ये हकीकत दिल में संतुष्टि लेके जाता है कि हाँ पब्लिक को चलो चार गीत नहीं आए तो दो गीत तो पसंद आएगी। तब कहना दे, अरे